तो फिर मेरा वीडियो कंटेंट है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नॉर्मली दो तरह होता है, एक होता है फ़ोन से फोटोग्राफी, एक होता है कैमरा से फोटोग्राफी, और ड्रोन की तो बात अलग है, उसको छोड़ देते हैं। तो फिलहाल मेरा जो कंटेंट है वो होता है फ़ोन से फोटोग्राफी। आप समझते हैं फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी बेसिकली एक खेल की तरह होता है, अगर उसमें जो सही टेक्निक है समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं समझते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, बहुत हार्ड है। अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हारा तो फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा तुम्हारा जो बाकी जो लोग है उसके अलग फ़ोटो तुम्हारा आएगा, अलग पहचान आएगा फ़ोटो से। तुम्हारा फ़ोटो क्लियरफुल होगा, बहुत यूनिक होगा, बहुत हार्ड होगा, तो बहुत क्लियर लुक आएगा। तो आप समझते हैं फोटोग्राफी क्या टेक्निक है। तो चलो वीडियो की तरफ। तो फिर फ़ोटो क्लिक करने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हारा फ़ोटो क्लिक करने के टाइम पे अगर थोड़ा सा भी फ़ोन हिलेगा तो बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी हिलना तुम्हारे अच्छी फ़ोटो को बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल ये देखो, इसलिए कह रहा हूँ फ़ोटो शूट करने के टाइम फ़ोन हिलना नहीं चाहिए। चाहो तो तुम ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर दो नंबर चीज़ है बैकग्राउंड। अगर नॉर्मल फ़ोटो में बैकग्राउंड अच्छी नहीं आती है तो तुम पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड उधर बैकग्राउंड को बहुत ब्लर कर देता है और क्लियर लुक देता है फ़ोटो का। कुछ फ़ोटो को क्लिक किया है वो देख लो।